वेलकम एवरीवन। आज हम ए लेटर टू गॉड इस चैप्टर की समरी कर रहे हैं। तो यह जो चैप्टर है, सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी कुछ इम्पोर्टेंट बातें कर लेते हैं। जी एल फ्यूंटिस के द्वारा लिखा गया है। जी एल फ्यूंटिस जो हैं वो मैक्सिकन पोइट हैं, यानी एक कवि हैं वो, और नॉवलिस्ट भी हैं, नॉवेल्स भी लिखते हैं, साथ ही जर्नलिस्ट भी वो हैं। और यह चैप्टर जो है, अगर इसकी बात करें दो शब्दों में, तो यह बताता है फेथ इन गॉड को, यानी कि जो इसका कैरेक्टर है कहानी का मेन पात्र जो है, वह भगवान के प्रति उसकी फेथ जो है, उसका विश्वास जो है, पूरी कहानी उसी पर लिखी गई है। थोड़ा सा कहानी के अंत में आपको कुछ विरोधाभास देखने को मिलेंगे, यानी कि जो आयरनिकल स्टोरी है वह आपको देखने को मिलेगी कि किस प्रकार से, क्या हम इस कहानी के अंत में देखते हैं कि क्या जो लिंचो है उसका विश्वास बना रहता है या टूट जाता है। आज मैं आपको इस कहानी के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस करा रही हूँ। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज लिंचोस हाउस सिचुएटेड, लिंचो का घर कहाँ पर था। तो उसका घर जो था, आपको पता भी है कि वह पहाड़ी के जो टॉप था उस पर था, यानी कि हिल के टॉप पर उसका घर था, यानी कि ऑप्शन बी जो है वह सही जवाब है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लिंचो, क्या चीज़ थी, क्या ऐसी चीज़ थी जो पृथ्वी को बस चाहिए थी, यानी फसल उगाने के लिए क्या ज़रूरी था। तो आंसर है ए शॉवर, यानी बरसात हो जाए, बस वो ये चाहता था कि बारिश हो जाए तो अच्छी फसल होगी। लेकिन जब आप कहानी पढ़ते हो तो देखते हो कि बारिश के स्थान पर जो है हेल स्टॉर्म्स आ जाते हैं, ओलावृष्टि जिसे कहा जाता है, तो ओले गिरते हैं जिसके कारण उसकी फसल नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वेयर डिड लिंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम, उसे कौन सी दिशा से लग रहा था कि बारिश कौन सी दिशा से आएगी। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके साथ साथ क्वेश्चंस के आंसर मुझे बताते रहिए, मैं थोड़ा सा समय आपको देती हूँ आंसर बताने के लिए। तो क्वेश्चन थर्ड का आंसर बताइए, मैं बता देती हूँ क्योंकि हम ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं। तो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, यानी नॉर्थ ईस्ट से उसे लग रहा था कि बारिश आ जाएगी। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लिंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ, हिंदी में मैं आपको बता देती हूँ, जो बच्चे हिंदी मीडियम से जल्दी समझते हैं, तो क्या उसे जो बड़ी बड़ी जो बारिश की बूंदें थी उनका कंपेयर उसने किससे किया है। तो सही जवाब है न्यू कॉइन्स से, उन्हें सिक्कों से इनको कंपेयर किया, बारिश की बड़ी वाली बूंदों को। उसके बाद हमारा क्वेश्चन ले लेते हैं, आप भी आंसर बताते जाइए साथ साथ में। तो विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लिंचोस फील्ड्स, उसके खेतों में क्या फसल उगने वाली थी, क्या फसल उगती थी। तो सही जवाब है यहाँ पर कॉर्न उगाया था उसने, मक्का। उसके बाद प्रश्न आता है, व्हाट डिस्ट्रॉय लिंचोस फील्ड्स, लिंचो के फील्ड किससे नष्ट हो गए। तो उसके फील्ड्स जो थे हेल स्टॉर्म से, यानी ओले जो गिरे थे उससे उसके खेत नष्ट हो गए थे, ओलों के कारण। ओलावृष्टि भी इसे कहते हैं, हेल स्टॉर्म भी इसे कहते हैं, हेल स्टॉर्म भी कहते हैं। तो ये कारण रहा था कि लिंचो के खेत नष्ट हो गए थे, उसकी कृषि जो थी, उसकी फसल नष्ट हो गई थी। उसके बाद क्वेश्चन आता है, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन, इसमें कवर्ड हो गया था, क्या लग रहा था कि पूरे खेत में क्या फैल गया है। जब ओले आए थे तो उन्हें क्या लगा, तो उन्हें लगा था कि पूरे खेत में सॉल्ट जो है वो फैल गया है। उसके बाद क्वेश्चन लेते हैं, हमारा क्वेश्चन आता है, लिंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज विद,
उसने सारे डैमेज को किसकी तरह से कैसे लिया, तो प्लेग ऑफ लोकस्टस यानी टिड्डियों का जो हमला होता है उसकी तरह से उन्हें उसने इस वृष्टि को लिया। इसकी तुलना की मतलब जो खेत में उसके नुकसान हुआ था ना, तो जैसे टिड्डी दल जब हमला कर देता है तो किसान की फसल नष्ट हो जाती है, उसी तरह से जब ओले गिर जाते हैं तो भी फसल नष्ट हो जाती है। यहाँ पर लेंको के खेतों की जो फसल थी वो पूरी बारिश के कारण नष्ट हो गई थी, क्योंकि वह तो उम्मीद लेकर के चला था अच्छी फसल होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन आता है, वट वॉज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लिंचोस फैमिली। लिंचो के परिवार को क्या होप थी कि बस कि अब कौन उनकी सहायता कर देगा, तो हेल्प फ्रॉम गॉड, उन्हें केवल भगवान की तरफ से कोई सहायता आएगी ऐसा लग रहा था। उसके बाद हम अपना क्वेश्चन ले लेते हैं, हाउ डिड लिंको डिसाइड टू कॉन्टैक्ट हिज लास्ट रिजॉर्ट। उसने कैसे अपने अंतिम जो उसका रिजॉर्ट था उसको कैसे कॉन्टैक्ट किया, तो उसने उसका अपना जो लेटर लिखा, एक लेटर लिखा, उसका जो लास्ट रिसोर्स था ना गॉड थे, कि अब पैसे कहाँ से आएंगे, सब फसल तो नष्ट हो गई है, तो उसने एक लेटर गॉड को लिखा। हाउ मच मनी डिड लिंचो आस्क फॉर, उसने कितने पैसे मांगे। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल आसान सा, आपने अगर स्टोरी को पढ़ा है तो 100 pesos उसने मांगे थे। वट वॉज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर। जब उसने लेटर लिखा और पोस्टमैन ने लेटर देखा तो उसका इमीडिएट रिएक्शन क्या था, लाफ्ड होल हार्टेडली, यानी कि वह बहुत तेज तेज हंसने लग गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पोस्टमास्टर वाज ए फैट एमिएबल मैन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल। एमिएबल का मीनिंग होता है फ्रेंडली। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन सीइंग द लेटर द पोस्टमास्टर वाज मूव्ड बाय लिंचोस, लिंचोस ऑप्शन ए, अनवेवरिंग फेथ, जो उसकी अनवेवरिंग फेथ थी उस पर उसने ध्यान दिया, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लिंचोस लेटर। उसने क्यों सोचा कि लिंचो के पत्र का मैं जवाब दूँ, ऐसा उसने क्यों सोचा पोस्ट मास्टर ने। तो पोस्ट मास्टर ने ऐसा इसलिए सोचा क्यों था, क्योंकि टू प्रिजर्व लिंचोस फेथ इन गॉड, वो चाहता था कि लिंचो की फेथ बनी रहे गॉड में, जो उसका विश्वास है वह बना रहे। फिर उसके बाद प्रश्न आता है, व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांडेड अपार्ट फ्रॉम गुडविल, इंक एंड पेपर। तो मनी इसका सही जवाब है, मनी। क्वेश्चन आता है, हाउ मच मनी वाज द पोस्टमास्टर एबल टू अरेंज। कितने पैसे उसने इकट्ठा कर लिए थे, तो यहाँ पर उसने 70 pesos इकट्ठा किए थे सभी साथियों से मिला करके, तो सही जवाब है डी ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन आता है, व्हाट डिड द पोस्टमास्टर फील ऑन एक्सपीरियंसिंग लिंचोस रिसीव द लेटर। कंटेंटेड, उसे अच्छा लगा जब लिंचो ने लेटर रिसीव किया, तो उसे अच्छा लगा जब उसने पैसे उसको दिए, तो यहाँ पर सही जवाब है ए ऑप्शन। उसके बाद प्रश्न आता है, व्हाई वाज लिंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी इन द एनवेलप। जब उसने लिफाफा खोला तो उसे पैसे दिखे, लेकिन वो सरप्राइज नहीं था। सरप्राइज क्यों नहीं था, क्योंकि उसको फेथ था भगवान पर, उसे
यानी उसका फेथ जो था बिल्कुल दृढ़ था, दृढ़ विश्वास था उसे, अनवेवरिंग। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही जवाब है। उसके बाद क्वेश्चन आता है, आप नोट भी कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो। उसके बाद क्वेश्चन आता है, हाउ डिड ही फील व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना तो फिर उसे कैसा लगा था, एंग्री फील किया था, उसे गुस्सा आ गया था। गुस्सा क्यों आ गया था, आपने कहानी पढ़ी है तो आप जानते भी हैं कि उसे लगा कि जो लोग हैं पोस्ट मास्टर वगैरह, उन्होंने पैसे को यूज़ कर लिया है, यानी बीच में खा लिया है, तो फिर उसे गुस्सा आ गया था। उसके बाद क्वेश्चन आता है, व्हाट डिड लेंचोस थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, उसने क्या सोचा पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के बारे में, तो उसने कहा कि बंच ऑफ क्रूक्स, यानी कि ये तो ठगों का टोला है। क्या है ये, ठगों का टोला है। तो ऑप्शन ए जो यहाँ पर सही जवाब है। उसके बाद क्वेश्चन आता है, व्हाट डिड लेंचोस आस्क फॉर इन हिज सेकेंड लेटर, सेकेंड लेटर में उसने फिर क्या लिखा, रिमेनिंग अमाउंट एंड नोट सेंड इट बाई मेल, उसने कहा कि भाई मेरी जो बची हुई अमाउंट है वो भी मुझे भेज दो, और अब की बार उसे डाक से मत भेजना, मेल से मत भेजना, क्योंकि ये वो तो ठगों का टोला बैठा है वहाँ पर, तो इसलिए उसने ऐसा फिर से लिखा। फिर से क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द आयरनी इन दिस लेसन, भाई इस लेसन में क्या आयरनी है, आपको क्या नज़र आया इसमें, ऐसी क्या विडंबना इसमें नज़र आई, कि देखो एक तरफ तो वो लोग हेल्प करते हैं, मनी इकट्ठा करते हैं ताकि उसका विश्वास ना टूट जाए, दूसरी तरफ वही उन्हें ठगों का टोला भी कहता है। तो ऑप्शन सी जो है सही जवाब है। क्या है सही, कि लेंचो ब्लेम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हु इनफैक्ट हेल्प हिम, वो तो उन्हें ही ब्लेम कर रहा है जो उसे मदद भी कर रहे थे, तो ये आयरनी है इस लेसन में। क्वेश्चन आता है, व्हाट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डज द चैप्टर हाईलाइट, क्या कॉन्फ्लिक्ट है चैप्टर में, क्या विरोधाभास आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ए जो है ना, ये वाला और बी दोनों ऑप्शन सही हैं, तो हमारा सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी डी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। नोट डाउन कर लीजिए या ध्यान में रखिए। तो क्या कॉन्फ्लिक्ट था ना, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमंस, और कॉन्फ्लिक्ट अमंग ह्यूमंस। उसके बाद क्वेश्चन आता है, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड, मैंने आपको पहले ही बता दिया था जी एल फ्यूंटिस जो हैं इस चैप्टर के लेखक हैं, और आज के जो क्वेश्चंस हैं वो बस अभी इतने ही हैं इंग्लिश के। अगर आपको किसी और चैप्टर के MCQs अगर पढ़ने हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ आपको सभी चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो बना करके प्रोवाइड करवाने की। ये किसी बुक्स में शायद ही आपको मिलेंगे, क्योंकि हम लोग खुद तैयार करवाते हैं, और आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, एंड बेल बटन को भी प्रेस करना है, ये तो आप जानते ही हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।